बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों, सरकार का बड़ा ऐलान, 10वीं 12वीं के सभी छात्रों के पास अभी अभी आई बड़ी खबर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको निर्देश दिखाना चाहता हूं, सभी छात्राओं को पास किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपके एक एक डाउट को क्लियर करूंगा और आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो और आपसे मैं एक और उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर अपने दोस्तों से शेयर करोगे ताकि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। मैं सबसे पहले आपको निर्देश दिखाना चाहता हूं, 2020 सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित है कि वर्ष 2020 की परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले कक्षा 10 12 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षा पुस्तिकाओं की सुरक्षा में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी छात्र छात्राओं को पास किया जाएगा। उनके प्रमाण पत्र पर केवल उत्तीर्ण लिखा जाएगा, उस पर अंक नहीं लिखे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्णय उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा सही से ना हो सकने के कारण सभी छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए लिया गया है। यहाँ पर साइन है नीना श्रीवास्तव, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ये जो निर्देश है व्हाट्सएप पर इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि हमें 100 से अधिक छात्रों ने इसे भेजा और बताया कि सर क्या ये सही है। तो मैंने यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर और सभी न्यूज़ चैनल पर जब इसको चेक किया तो ये सरासर फर्जी निकला। मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ कि यूपी बोर्ड बिना रिजल्ट प्रमोट होंगे क्लास 10वीं 12वीं के स्टूडेंट जाने सचिव ने क्या कहा। यहां पर जैसे ये आपको एक वायरल दिख रहा है तो यहां पर देखते हो, यहां पर इस यहाँ पर एक डिटेल्स बताता हूँ कि वर्ष 2020 की परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले कक्षा 10 व 12 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि उस पर अंक नहीं लिखे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्णय उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा सही से न हो सकने के कारण लिया गया है। इस सर्कुलर पर नीचे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद नीना श्रीवास्तव का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बारे में अब बोर्ड की ओर से सफाई दी गई है कि बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये सर्कुलर फर्जी है। जैसा मैंने बताया, मैंने यूपी बोर्ड के वेबसाइट पर चेक किया, सभी वेबसाइट पर चेक किया, ये पूरी तरीके से फर्जी है, कहीं भी ऑफिशियल न्यूज़ ये नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया फिलहाल लॉकडाउन के कारण स्थगित है, लॉकडाउन खत्म होते ही दोबारा शुरू होगी। बोर्ड मई के पहले सप्ताह तक रिजल्ट जारी करने की कोशिश करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने छात्र इस जो इमेज है ये सर्कुलर है, इसको अगर आप शेयर कर रहे थे तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको शेयर ना करो। और जो भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, यार आप पकड़े जाओगे तो बहुत आपको सजा मिलेगी, क्योंकि ये किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा बिल्कुल ना करें। और जो भी छात्र इस साल पेपर देना चाहते हैं 2021 में, तो उनके लिए खुशखबरी है, शुभम क्लासेस हमने टॉप 100 बैच में एडमिशन शुरू कर दिया है। तो जो भी छात्र क्लास 10, 12 2021 बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी फीस अभी सिर्फ 500 रुपये सभी विषयों के लिए पूरे साल की। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बेस्ट प्लान कि आप किस तरीके से कौन से विषय की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। लिमिटेड सीट है, जिन छात्र 2021 में है वो जरूर से जरूर इस बैच को जरूर ज्वाइन कर ले, नहीं तो सीट फुल हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो भी छात्र इसको व्हाट्सएप पर भेज रहे थे उसको आज ही बंद करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके कि फर्जी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। जैसे ही अगर रिजल्ट से लेकर कोई न्यूज़ आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।